आशाराम बापू के गुर्गे के इशारों पर घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले हरियाणा पुलिस के हवलदार पुनीत के विरुद्ध महेंद्र चावला ने शिकायत दर्ज करवाई है। आशाराम व नारायण केस के अहम गवाह हैं महेंद्र चावला। चावला के आरोप केस में समझौते के लिए पुलिस व आशाराम के लोग दबाव बनाने के लिए परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के बाद जाँच शुरू की है। कहा जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महेंद्र चावला ने कल रात 10 बजे मेरे को एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि हेड कांस्टेबल पुनीत जो दिन के समय में उसकी सुरक्षा में तैनात था और शाम को वहाँ से उसका ट्रांसफ़र कर दिया, वो दिन में किसी वजह से कहीं चला गया था, जिस वजह से उसकी गैरहाजिरी लिख दी है मैंने और उसकी जगह जैसे ही दूसरा हेड कांस्टेबल तैनात किया, ड्यूटी पे भेजा, तो शाम को उस जैसे हाजिर आया तो हाजिर आने के बाद उस अपना सामान लेने के लिए वो चावला के घर गया था। चावला का रूम लॉक होने की वजह से उसने अपना रूम खोल के अपना बैग निकाल लिया था। मेरी जांच मैंने उससे पूछताछ करने में बताया कि उसमें मेरी दुआई थी जिनको मेरा लेना ज़रूरी था, इसलिए उसने अपना ताला खोल के बैग निकाला। गार्ड का ताला उसने खोलना बताया मेरे को, लेकिन मैं गया नहीं हूँ। वो ASI अपना श्री भगवान जी इस पर जाँच कर रहे हैं, जाँच में जो भी सामने आएगा नियम अनुसार कार्रवाई करें। चावला ने कहा कि जिस समय पुलिस कर्मी ने ताला तोड़ा वह उस समय घर पर मौजूद नहीं था। घर पहुंचने पर ताला टूटा दिखाई दिया और CCTV फुटेज देखा तो पुनीत नामक पुलिस कर्मी नजर आया। महेंद्र चावला ने आरोप लगाया कि आशाराम के गुर्गे व पानीपत पुलिस उन्हें परेशान करने लगे हैं ताकि सूरत में चल रहे आशाराम और नारायण साईं केस की सुनवाई को रोका जा सके। अभी सूरत में आशाराम केस नारायण साईं केस का फैसला आने वाला है और फैसले से पहले ये मेरे ऊपर पुलिस का कह लो, हरियाणा पुलिस का दबाव है, पानीपत पुलिस का दबाव है। पानीपत पुलिस के जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, SHO हैं सूरजभान, DSP सतीश वत्स है, SP सुमित कुमार है, इन लोगों को मैं बार बार बोल चुका हूँ कि भाई बूढ़े कर्मचारी मत लगाओ, बीमार कर्मचारी मत लगाओ, नशेड़ी कर्मचारी मत लगाओ, शराबी मत लगाओ, भगोड़े कर्मचारी मत लगाओ। लेकिन थाना मुंशी, SHO, DSP, SP कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और वो बात इसलिए सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि इन लोगों ने आसाराम आश्रम से मिलकर, आसाराम के गुंडों से मिलकर लाखों करोड़ों रुपए का रिश्वत लिया है, जिसके कारण ये लोग जानबूझ के बीमार कर्मचारी लगाते हैं ताकि कर्मचारी मुस्तैद ना रह सकें, तैयार ना रह सकें और कर्मचारियों की लापरवाही, कर्मचारियों की कमी की वजह से आसाराम के गुंडे मेरे ऊपर दोबारा से हमला कर सकें। मैं बाई नेम SHO सूरजभान, DSP सतीश वत्स और SP सुमित कुमार की पहले ही DGP को कंप्लेंट कर चुका हूं कि ये लोग मेरे ऊपर कभी भी जानलेवा हमला करवा सकते हैं, मुझे झूठे केस में फंसा सकते हैं, मेरे किसी भी अपने कर्मचारी के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से कोई नशीला पदार्थ, कोई अवैध कोई वस्तु मेरे घर में, मेरे बैग में कहीं भी रखवा कर मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का झूठा मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अर्थ प्रकाश TV के लिए पानीपत से मदन बरेचा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।